हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इजी होममेड मैंगो जैम की रेसिपी, वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आप बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से ये होममेड मैंगो जैम बनाकर तैयार कर सकते हैं, उसे काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करने हैं और उसके लिए आप मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंगो जैम बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 6 कप जितना मैंगो का पल्प, 4 कप चीनी और 1 नींबू का रस। सिर्फ इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको मैंगो जैम बनाने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पैन में आप डाल दें मैंगो का पल्प, साथ में आप डाल दें शुगर और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा सा मेल्ट होने दें। फ्रेंड्स, जैम में जो चीनी होती है, शुगर होती है, वो नेचुरल प्रिजर्वर का काम करती है, इसीलिए आप सेमी राइप मैंगोज़ का यूज़ करें, जो बहुत ज़्यादा मीठे ना हो, खट्टे मीठे हों, तो उनसे जो जैम है बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। अगर आप ज़्यादा मीठे आम का यूज़ करेंगे तो जैम में बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, और अगर आप चीनी कम डालेंगे तो जैम की जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाएगी। मार्केट में जैसा जैम मिलता है जो जेल फॉर्म में होता है, चीनी डालने से ही जेल फॉर्म मिलता है जैम को। और यहाँ पर हमने डाल दिया है 1 नींबू का रस। नींबू का रस डालने से जो शुगर है वो क्रिस्टलाइज नहीं होती है, नींबू का रस शुगर को क्रिस्टलाइज होने से रोकता है, इसलिए लेमन जूस डाला जाता है और लेमन जूस जैम को ग्लॉसी और शाइनी जो टेक्सचर है वो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर हमने इसे लो फ्लेम पर इसे लगातार हिलाते हुए हम इसे पकाएंगे मैंगो पल्प को। गैस की फ्लेम हाई ना रखें, नहीं तो जो पल्प है वो जलने लगेगा। और आपको इसे तब तक पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जैम जैसी नहीं हो जाती। फ्रेंड्स, होम मेड जो मैंगो जैम हम आज बनाकर तैयार कर रहे हैं वो हाइजीनिक भी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, कॉस्ट बहुत कम पड़ती है और काफ़ी लंबे टाइम तक आप स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप आम जो लाते हैं उन्हें अच्छे से वॉश कर लें, पील कर लें, उसके पीसेस कर लें और मिक्सी में एक बार उसे ग्राइंड कर लें, इसका पल्प तैयार कर लें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्रंचीनेस चाहते हैं, थोड़े थोड़े पीसेस भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। और ये देखिए, आप कंसिस्टेंसी देखिए किस तरह से है, थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। और इसको एक बार चेक करने का तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह से आपको पता लगेगा कि जैम तैयार हो चुका है। आप थोड़ा सा लेके इसे प्लेट में डालें, ये देखिए अभी ये थिन है, ये इस तरह से गिर रहा है, इट मीन्स अभी हमें इसे और पकाना है और इसमें थोड़े से बबल्स आने स्टार्ट हो गए। तो आप इसका जो ढक्कन है वो ढक दें ताकि आपके ऊपर इसके छींटे ना पड़ें, थोड़ा केयरफुली आप इसे पकाएं। और अभी हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे, मीडियम फ्लेम मैंने यहाँ पर कर दी क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। और स्पैचुला की हेल्प से आप इस तरह से इसे गिराएं और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैंगो सीजन चल रहा है तो आप एक बार में काफ़ी सारा जैम बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। और ये देखिए थिक हो चुका है, इसे हम आपको चेक करके बताने वाले हैं दोबारा से। ये देखिए थोड़ा सा प्लेट में डाला है और ये अब बिल्कुल नहीं गिर रहा है, परफेक्टली हमारा जैम बनकर तैयार है। ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है और गैस की फ्लेम अब आप ऑफ़ कर दें। गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद इसे आप रूम टेम्परेचर पर आने दें, हल्का सा गुनगुना हो तब आप इसे जार में स्टोर करके रख सकते हैं। और ये देखिए ये गाढ़ा हो गया है, जेल फॉर्म में आ गया है जैसे मार्केट का जैम होता है। और इसे आप किसी भी इस तरह से कांच के जार में स्टोर करके रखें। बस इस बात का ध्यान रखें जो भी आप जार रहें उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उसे आप एक बार सन ड्राई कर लें या स्टरलाइट कर लें और जैम को आप इस तरह से डाल लें। अगर जैम एक बार में ज़्यादा ठंडा हो गया तो वो स्टोर करने में थोड़ी मुश्किल होती है, जार में ट्रांसफ़र करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप इसे गुनगुना हो तभी आप इसे इस तरह से जार में डालकर स्टोर करें। और ये देखिए कलर आप देख सकते हैं, हमने इसमें कोई प्रिजर्वर का यूज़ नहीं किया है, कोई आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं किया है और काफ़ी शाइनिंग है इसके अंदर, जैसे मार्केट वाला जैम होता है ग्लॉसी सा, वैसा बनकर तैयार हो गया है विदाउट प्रिजर्वर। और सिर्फ 3 चीज़ों से हमने ये टेस्टी और बहुत सारा मैंगो जैम बनाकर तैयार कर लिया। और ये मैं से आप ब्रेड के ऊपर अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी जैम बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए
बस कुछ टिप्स आपको ध्यान में रखने हैं। ज़्यादा पके हुए आम का आप यूज़ करेंगे तो जैम ज़्यादा मीठा बनेगा, और चीनी कम डालेंगे तो जैम की शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाएगी। और जिस भी बर्तन में आप इसे स्टोर करके रखें, जार में स्टोर करके रखें, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उसे आप एक बार सनड्राई एस्टेलाइट कर लें। और जब भी आप जैम का इस्तेमाल करें, गीली चम्मच का यूज़ ना करें, वेट स्पून का यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा हमने कितने इजी तरीके से ये होममेड मैंगो जैम बनाकर तैयार कर लिया है। बजट फ्रेंडली भी है, हाइजीनिक भी है, तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और बढ़िया रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।